लेकिन इसी बीच सुखदेव मर्डर केस में बड़ी खबर यह आई कि एसआईटी का गठन किया जा चुका है और राजस्थान पुलिस के डीजीपी उमेश मिश्रा की तरफ से कहा गया कि शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी की पहचान कर ली गई है। मामले में अब एनआईए भी जांच कर सकती है। सुखदेव मर्डर केस के जांच के लिए राजस्थान पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। एडीजी क्राइम दिनेश एनएम की अगुवाई में एसआईटी की टीम ने सुखदेव हत्या की तफ्तीश करेगी तो गुनहगारों का सुराग देने पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा गोगा मेड़ी हत्याकांड की जांच में अब एनआईए की एंट्री होने वाली है। गोगा मेड़ी मर्डर केस में एनआईए जल्द स्पॉट का दौरा कर सकती है। एनआईए के 4 सदस्यीय टीम इसके लिए जयपुर रवाना हो सकती है क्योंकि हत्याकांड का तार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है क्योंकि सुखदेव की हत्या के बाद इसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने ली। गैंगस्टर रोहित गोदारा को लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी माना जाता है। सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी मर्डर केस में पुलिस की टीम ने धरपकड़ और कॉम्बिंग अभियान भी चलाया हुआ है। गुनहगारों से जुड़े कई जिलों में दबिश डाली गई है। राजस्थान के अलावा हरियाणा और बॉर्डर के कई क्षेत्रों में गुनहगारों की तलाश जारी है। कल शार्प शूटर ने 20 सेकंड में 17 से ज्यादा गोलियां दागकर सुखदेव सिंह गोगा मोड़ी हत्या को अंजाम दिया था।